गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों देखिए, आज हम लोग एक बहुत ही प्यारा सा एक्टिविटी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग संख्याओं को समझेंगे ना। तो देखिए, आपके सामने यहाँ पे एक गोला चार्ट लगा हुआ है। इसमें दो गोले हैं, किस किस कलर के हैं? ये गोला हरे रंग का, ये वाला गोला पीले रंग का। जो पीला वाला गोला है वो दहाई का गोला है। किसका गोला है? और ये हरा वाला गोला इकाई का। ठीक, इसके साथ ही साथ मेरे हाथ में कुछ राजमा है, और आपको ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे हम लोगों ने कुछ बंडल बनाए बनाए ना बंडल। ये बताओ, ये जो स्टिक का बंडल है, इसमें एक बंडल में कितनी तिल्लियां आपने लगाई है? दस का बंडल है। ठीक, दस का मतलब होता है दहाई। ठीक, एक बंडल रहेगा तो दस। ठीक, यानी आप इसको कह सकते एक दहाई, दो दहाई, तीन दहाई, चार दहाई। ठीक है, तो इसी तरह पांच दहाई, छह दहाई होता है ना। तो एक दहाई का मतलब दस, तो दो दहाई का मतलब बीस, तो तीन दहाई का मतलब तीस, चार दहाई का मतलब चालीस, पांच दहाई का मतलब पचास, पांच दहाई का मतलब पचास, छह दहाई का मतलब साठ। ठीक, और उसका इसके अलावा हमारे पास कुछ खुली हुई लकड़ियां भी है ना। yes, कुछ खुली हुई तिलियां भी। देखिए क्या करते हैं हम लोग, ये जो मैंने राजमा लिया है, पहले इसको हम लोग ऐसे 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 करके यहाँ पे, जैसे आप लोग लूडो खेलते हैं ना, तो हम लोग इसको धीरे से यहाँ पे राजमा गिराएंगे ना। तो जब आप राजमा गिराएंगे तो कुछ राजमा हरे गोले में जाएगा, कुछ राजमा पीले गोले में जाएगा। ठीक, अच्छा अब ये मैंने गिरा दिया, आप लोग बताइए कितने राजमा पीले गोले में गए हैं? दो, यानी दो दहाई हो गया। क्यों? क्योंकि पीला गोला किसका है? दहाई का कि इकाई का? दहाई का। तो दहाई का मतलब आपको एक बंडल उठाना है ना। कितने राजमा गए हैं? दो है, तो कै बंडल उठाएंगे हम लोग? दो। एक बंडल ये हो गया, एक बंडल ये हो गया, ये एक दहाई और ये दो दहाई। अब ये हरे वाले गोले में कितने राजमा है? सात हैं। एक दो तीन चार पाँच छ सात। तो कितनी खुली तिलियां उठानी पड़ेगी हमको? सात। सात तिली उठा के दो हमको, गिरते रहना। दो तीन चार पाँच छ और सात, सात, इन्होंने सात तिलियां उठाई हैं खुली वाली। ठीक, अब हमको देखना है कौन संख्या बनती है। एक दहाई मतलब दस, दो दहाई मतलब बीस। अब बीस के आगे ये सात और तिलियां हैं, इक्कीस, बाईस, तेईस, चौबीस, पच्चीस, छब्बीस और सत्ताईस। और आप सत्ताईस को जानते भी हैं, सत्ताईस में आप लिखते हैं सात इकाई दो दहाई, तो सत्ताईस हो गया। यही है ना सत्ताईस संख्या। तो इस तरीके से समझने में मजा आया आपको? तो दो दहाई और सात इकाई, दो दहाई और सात इकाई मिलके कौन संख्या बनी है? सत्ताईस। क्लैप हो जाए एक बार हमें। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, ये गेम हम आपके साथ खेलते हैं। ठीक, संध्या आप तैयार है गेम खेलने के लिए? ठीक, तो देखिए ये राजमा आप लीजिए अपने हाथ में, और धीरे से आप इसी गोले में गिराइए। आप लोग देखते रहिएगा, कुछ इसमें गिरा दीजिए, कुछ पीले वाले में गिरा दीजिए। वेरी गुड, क्लैप करिए इनके लिए, बहुत सही उन्होंने गिराया है। देखिए जो गोला आधे पे रह जाए उसको अंदर की तरफ कर दीजिए। अब आप बताइए संध्या के पीले गोले में कितने राजमा गिरे हैं? चार। तो कितना बंडल आप उठाएंगी? चार बंडल उठाइए इसमें से, बोलते जाइए एक हाई दहाई, दो दहाई, तीन दहाई, चार दहाई। सबको दिखाइए कितना इन्होंने उठाया है? चार दहाई। चार दहाई का मतलब क्या हो गया? चालीस। क्या हो गया? चालीस। और इकाई में कितने हैं? इकाई में कितने राजमा हैं? आठ। तो आठ खुली तिलियां उठाइए, एक आध तिली और दे दो। तीन चार पाँच, सब लोग बोलो छ सात आठ। वेरी गुड, आठ तिलियां इन्होंने खुली वाली निकाली है ना। आठ तिली कैसे निकाली है? खुली।